Question में हमसे कहा गया है सर्कल एंड स्क्र का पैरीमीटर इक्वल है हमने क्वेश्चन में सर्कल एंड स्क्र के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन में हमें गिवन है पैरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पैरीमीटर ऑफ स्क्र ये हमको गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं ठीक है देखिए स्टूडेंट्स ऑफ सर्कल होता है टू पा फिर बीच में इक्वल टू है तो लगाएंगे इक्वल टू देखिए स्टूडेंट्स पैरिमीटर ऑफ स्क्वायर होता है फोर इंटू साइड पैरिमीटर ऑफ स्क्वायर होता है फोर इंटू साइड चलिए हम साइड ऑफ स्क्वायर को ए सपोज कर लेते हैं लिखते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा टू पाई आर इक्वल्स टू फोर इन ए यानी कि फोर ए अब हम इस फोर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा टू पाई आर अपॉन फोर इज इक्वल्स टू ए टू से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा आएगा टू तब हमारे पास में ए का वैल्यू आएगा पाई आर अपॉन टू चलिए अब हम सर्कल एंड स्क्वायर के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करते हैं ठीक है लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्केर एरिया ऑफ सर्कल होता है आई आर स्केयर एंड एरिया ऑफ स्केयर होता है साइड स्केयर अब क्योंकि हमने साइड ऑफ स्केयर को ए सपोज किया हुआ है तो हम साइड ऑफ स्क्यर की जगह पर लिखेंगे ए तब एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्केयर का रेशियो आएगा पाई आर स्क्वेयर अपॉन ए का स्क्र अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को न्यूमरेटर में हमारे पास में है पाई आर स्क्वेयर डिनोमिनेटर में हमारे पास में है ए का स्क्र देखिए स्टूडेंट्स हमने ए का वैल्यू निकाला है पाई आर पॉइंट टू तो हम एक की जगह पर प्रटअप करेंगे पाई आर पॉइंट टू ठीक है तब डिनोमिनेटर में आएगा पाई आर पॉइंट टू का होल स्क्र चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को न्यूमरेटर में हमारे पास में है पाई आर स्क्र डिनोमिनेटर में हमारे पास में है पाई आर अपॉन टू का होल स्क्वायर पाई आर अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन फोर ये हमारा न्यूमरेटर है ये हमारा डिनोमिनेटर है हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तब हमारे पास में आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू फोर अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा पाई से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तब हमारे पास में आएगा फोर अपॉन पाई चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को न्यूमरेटर में हमारे पास में है फोर डिनोमिनेटर में है पाई पाई का वैल्यू होता है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन तो ये हमारा है न्यूमरेटर ये हमारा है डिनोमिनेटर अब हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तब हमारे पास में आएगा फोर इंटू सेवन अपॉन ट्वेंटी टू टू से फोर को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा टू टू से ट्वेंटी टू का कैंसल आउट करेंगे तो आएगा इलेवन तब हमारे पास में आएगा टू सेवन या फोरटीन अपॉन इलेवन तो देखिए देखिये यहाँ पर हमारे पास में आ गया एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्र का रेशियो फोर्टीन इंस टू इलेवन तो हमारे पास में आ गया एरिया ऑफ सर्कल इज टू एरिया ऑफ स्क्र इज इक्वल्स टू फोर्टीन इंस टू इलेवन अब देखिए स्व हमें इस बी ऑप्शन में हमें इस बी ऑप्शन में सर्कल एंड स्क्र के एरिया का रेशियो ग फोर्टीन टू इलेवन और हमने भी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड निकाला है 14 11, तो हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है तो हम लिखेंगे डियर फोर ऑप्शन बी जिसमें कि हमको रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड गिवन है फोर्टीन टू इलेवन वो करेक्ट है तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर